नमस्कार दोस्तों, टेस्टी फूड विद रिया में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ एक बहुत ही हेल्दी और टेस्टी रेसिपी, यानी कि हरी मूंग दाल के स्टफ्ड चीला, जो बच्चे बड़े सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। तो मूंग दाल को मैंने 2 घंटे पहले अच्छे से वॉश करके भिगोने रख दिया था। ये अच्छे से फूल गई है, अब इसे हमें पीस कर तैयार करना है। तो मिक्सर जार में डालकर हमें इसे पीस लेना है। इसमें पीसते टाइम हमें 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 2-3 हरी मिर्च और 8-10 लहसुन की कलियां ऐड की हैं। थोड़ा सा पानी डालकर इसे अच्छे से फाइनली पीस कर तैयार करना है। पेस्ट को हमें बहुत ज़्यादा पतला या बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना। तो देखिए, इसी तरीके का पेस्ट बनाकर हमें तैयार कर लेना है और सारी मूंग दाल को पीस लेना है। ये जितनी टेस्टी रेसिपी है उससे ज़्यादा ये बहुत हेल्दी है, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब बैटर में हमने डाला है 1 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच रेड चिली पाउडर और 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। चीला बनाने के लिए अब हम तैयार करते हैं पहले अपनी स्टफिंग। स्टफिंग के लिए 2 चम्मच ऑयल को गर्म होने रख दिया था। इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा, जीरा चटकने के बाद 1 मीडियम साइज़ का कटा हुआ प्याज। प्याज जैसे ही अपना कलर चेंज करने लग जाएगा फिर इसमें हम ऐड करेंगे 1 मीडियम साइज़ का कटा हुआ टमाटर। इन सारी चीज़ों को अच्छे से 2 मिनट हमें भून लेना है। 2 हरी मिर्च को बारीक काट के इसी टाइम हमें डाल देना है। इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा ही हल्दी पाउडर। 2 मिनट और इसे कुक करना है हमें। तो देखिए, अब इसमें हम ऐड करेंगे 3-4 मीडियम साइज़ के बॉयल मैश्ड आलू। हम ये स्टफिंग आलू से तैयार कर रहे हैं। आप इन्हें वेजिटेबल से भी तैयार कर सकते हैं। जो भी सब्जियां आप खाना पसंद करते हैं आप उन्हें इस टाइम मिक्स कर सकते हैं। आप इसे पनीर से भी बना सकते हैं, तो ये बहुत ही हेल्दी हो जाएगा। तो देखो, बहुत हेल्दी और टेस्टी रेसिपी है। तो अब इसको हमें किसी दूसरे प्लेट में पलट लेना है। स्टफिंग थोड़ी ठंडी हो जाए इसलिए हमें इसे 2-3 मिनट छोड़ देना है। यहाँ मैंने लिया है मोटे तवे वाला, यानी कि जो तवा होगा वो मोटे तल का होना चाहिए। उस पर 1 चम्मच ऑयल को अच्छे से स्प्रेड कर लेना है। तवा हमारा जितना मोटा होता है उससे चीला बहुत ही अच्छे आसानी से बनते हैं और नीचे से क्रिस्पी बनते हैं। तो देखिए, 2 चम्मच बैटर को हमें डालना है और चम्मच की बैक साइड से चारों तरफ इस तरीके से राउंड में घुमाते हुए चीला को फैलाना है। चीला बहुत ही आसानी से फैलता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और 1 चम्मच ऑयल को चारों तरफ इसकी किनारों पर डालकर हमें इसे अच्छा सा गोल्डन होने तक सेकना है। जैसे ही चीला एक साइड से सिक जाएगा हमें ऊपर इसकी हल्की सी ब्राउन परत दिखने लग जाएगी, फिर हमें इसे दूसरी साइड से पलट देना है। क्योंकि बहुत ही अच्छा चीला बनकर तैयार हुआ है, इसके सामने डोसा भी आपको फीका लगेगा। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है ये। तो अब इसमें हमें अपनी ऐड करनी है स्टफिंग। 2 चम्मच स्टफिंग को अच्छे से मैंने इसमें फैला लिया है। चीला को दोनों ही साइड से फोल्ड करना है और इसी तरीके से हमें दूसरी साइड से फोल्ड कर लेना है। तो अच्छे से फोल्ड करके हमने इसको बंद कर दिया है। तो ये बन गया हमारा स्टफिंग वाला मूंग दाल का चीला। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी, टेस्टी और सभी को पसंद आने वाला है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो ऐसी ही रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो इसी तरीके से हम दूसरा चीला बनाकर तैयार करते हैं। और जैसे ही चीला बनाते टाइम हमारा तवा ज़्यादा गर्म हो जाता है तो उस पर थोड़ा सा पानी डालकर हमें उसे पहले उसका जो टेम्परेचर है उसको कम कर लेना है, जिससे क्या है चीले का बैटर फैलाने में आसानी होती है। तो देखिए, बहुत ही अच्छा चीला हमारा बनकर तैयार हो रहा है। इसी तरीके से हमें इसे दोनों साइड से पलटकर अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेना है। फिर इसमें अपनी ऐड करनी है स्टफिंग। स्टफिंग को डालकर चीले को दोनों साइड से हमें फोल्ड करना है और अच्छे से दोनों साइड से फोल्ड करने के बाद पलटकर सेक लेना है। ये बहुत ही टेस्टी, क्रिस्पी और हेल्दी चीला बनकर हमारे तैयार हो रहे हैं। तो इसी तरीके से हमें सारे चीला बनाकर तैयार कर लेने हैं। आप इन्हें हरी चटनी, सॉस या जिस भी चटनी के साथ आप खाना पसंद करते हैं आप इन्हें सर्व कर सकते हैं।
ये देखिए जितने देखने में अच्छे लग रहे हैं उससे ज़्यादा ये खाने में टेस्टी हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको ये पसंद आए तो अपने कमेंट मुझे ज़रूर भेजिएगा। धन्यवाद।